छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर जगदलपुर विधायक ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया और वहां मौजूद सभी मजदूरों का हालचाल जाना। जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन ने दरभा विकास खंड के क्वारंटाइन सेंटरों का औचक निरीक्षण कर प्रवासी मजदूरों का हालचाल जाना और कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रवासी मजदूर को हर हाल में सुविधा उपलब्ध हो। विधायक ने प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में रहकर मनरेगा के तहत कार्य करने और बच्चों को पढ़ाने की सलाह दी। इस मौके पर मजदूरों ने खाने पीने को लेकर शिकायत की। गौरतलब है कि विभिन्न प्रदेशों से रेड जोन से आए 118 मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है और प्रशासन द्वारा लगातार हालचाल लिया जा रहा है। क्वारंटीन अवधि होने के बाद इन मजदूरों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी। आज मैंने जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत दरबा ब्लॉक के नेगानार, शिंदावाड़ा, कावारास, चिंगपाल क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इन क्वारंटाइन सेंटर में दक्षिण भारत, हैदराबाद, विजयवाड़ा, चित्तूर, कर्नाटक, बेंगलोर, भद्राचलम से आए हुए मजदूर रह रहे हैं। इसमें 373 पुरुष हैं, 40 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं। उनसे मिलकर उनका हालचाल जाना। सब में खुशी थी कि जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, मोदी सरकार तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कराई, हमको लाने की व्यवस्था की, हमको क्वारंटाइन सेंटर में रखा, हमारा स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है, हमें नाश्ता, चाय, पानी, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद दिया और मुझसे भी कहा कि आप पहले भी हमसे मिलने आए थे, आज भी हमसे मिलने आए। तो हमको इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सरकार अच्छा काम कर रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।